आज जो यहाँ का एमएलए जो अप्पू घोड़ा जो यहाँ पे लूटी कर रहा है जीडे प्रॉपर्टी और 18 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, किसका पैसा है? जो जीडे के दलाल ऑफिसर जो है उनके दलालगिरी उनके गुलामगिरी कर रहे जो ऑफिसर उनके फेवर में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं। बाबा 18 करोड़ रुपए कहाँ से आए तेरे पास? और गरीब लोग वहाँ पे जो तरकारी बेचते थे वो तरकारी बेचने का जगह आज एमएलए लूटी करके ये जगह ऑक्शन में लेता है। ये एमएलए के खिलाफ सेशन में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। बीजेपी सरकार के हेरी विकार दक्षिण मत क्षेत्र शासक अप्पू गौड़ के हेरी विकार बीजेपी सरकार के हेरी विकार आज गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ से आज जो यहाँ का एमएलए जो अप्पू घोड़ा जो यहाँ पे लूटी कर रहा है जीडे प्रॉपर्टी अपने फैमिली को जो दिला रहा है उसके खिलाफ आज डीसी ऑफिस के अंदर हम लोग डीसी साहब को मिलके आज यहाँ पे उनके एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। ये जिस दिन यहाँ पे ऑक्शन किया गया है वो ऑक्शन के अंदर उनके फैमिली मेंबर और उनके फॉलोअर्स वो ऑक्शन के अंदर ऑक्शन डालते और वो प्रॉपर्टी जब रजिस्टर होता है वो ऑक्शन में जो ऑक्शन डाले वो लोग विटनेस में आते हैं उसके अंदर, तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। एमएलए के खिलाफ इमीडिएट वो जो प्रॉपर्टी जीडे अपने कंडी मार्केट के अंदर गाँव के किसान लोग और गरीब लोग वहाँ पर जो तरकारी बेचते थे वो तरकारी बेचने का जगह आज एमएलए लूटी करके ये जगह ऑक्शन में लेता है। ये इसको री ऑक्शन होना चाहिए, अगर इसको री ऑक्शन नहीं होगा हमारे पार्टी के तरफ से हम लोग रोड पे उतरेंगे, एमएलए के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आने वाले दिनों में अब कर्नाटक का असेंबली चल रहा है और यहाँ के जो एमएलए अगर तुम्हारे को अगर आवाम के ऊपर मोहब्बत है लोगों के ऊपर अगर मोहब्बत है ये एमएलए के खिलाफ सेशन में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये एमएलए को घर भेजना है, ये लूटी कर रहा है एमएलए गुलबर्गे को लूटी करने के लिए आवाम के बीच आ रहे हैं। आज इनके पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट जो इनका है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनका है, अगर ये गवर्नमेंट में अगर इंसाफ अगर देना चाह रहे लोगों को ये एमएलए को इमीडिएट राजीनामा देना पड़ेगा, लोगों के बीच आके इसका सबूत देना पड़ेगा। आज हम पेपर में मीडिया में देख के आज हम जेडीएस के तरफ से हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस को आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जो कंडी मार्केट का जो प्रॉपर्टी है उसको फिर से क्या है रीटेंडर और जो री ऑक्शन को डालना है। ईएमडी अमाउंट जो भरे हुए 4.5 करोड़ रुपये वो जब अमाउंट भरने के बाद एक जीडे का एक प्रोसीजर होता है एक क्लॉज होता है कि इतने दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करना बोल के ये वो क्लॉज लिमिट क्रॉस करे क्रॉस करके उन्होंने फिर यहाँ के जो जीडे के दलाल ऑफिसर जो है उनके दलालगिरी उनके गुलामगिरी कर रहे जो ऑफिसर उनके फेवर में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं। आज जिला अधिकारी साहब को डीसी साहब को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर इंसाफ आवाम को दिलाओ, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ और यहाँ के जो प्रॉपर्टी है इमीडिएट आज के डेट के अंदर प्रॉपर्टी को स्टे देना, इमीडिएट प्रॉपर्टी सीज करना। ये जो ऑफिसर्स इनके साथ जो मिले हुए हैं इनके ऊपर इंक्वायरी बैठना ज़रूरी है और 18 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसका पैसा है इसके ऊपर इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। जब एमएलए इलेक्शन टाइम था उस टाइम पे बताता मेरा प्रॉपर्टी इतना ही है बोल के, बाबा 18 करोड़ रुपए कहाँ से आए तेरे पास? आज लोगों को बताओ 18 करोड़ कहाँ से आए, 18 करोड़ व्हाइट अमाउंट दे के एमएलए अपने भाई को प्रॉपर्टी दिलाता, इसके ऊपर इंक्वायरी होना ज़रूरी है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पे एमएलए के खिलाफ ये सरकार के खिलाफ हम धरना बैठने के लिए तैयार है बोल के बोलना चाहता हूँ मैं। ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರವರು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಏನೇ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಜಿಡಿಎಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಡೇಟಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ತರ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲು ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ತೆಲುಗು ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇದರ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಜೆಡಿಎಸ್.